विच इज़ वाई माई डैड बिकम्स माई हीरो. उन्होंने कहा कि देखो, माँ बाप जो कमाते हैं ना, अपनी औलाद के लिए कमाते हैं. तो ये कहा है कि अपनी देखभाल या अपना खर्चा खुद उठाओगे, अच्छी बात है, लेकिन ईगो मत लाना कि कह दिया है कि अब घर से पैसे नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, मरते मर जाएं. मुझे ऐसा लगता था मेरा घर है, बन गया था. थिएटर में हो जाता है ना, तो फिर मैं चाय लाना, झाड़ू पोछा लगाना, और एक छोटा सा रोल कर रहा था उसकी, एक साल तक तो रिहर्सल करी उन्होंने, क्योंकि नए लोग थे, कभी कोई चला जाता था, कभी लड़ाई हो रही, पर मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैंने बैक स्टेज से शुरू किया. हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीसी हैंगआउट. एंड टुडे वी आर हैंगिंग आउट विद टू स्पेशल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ सोनी लिव्स लेटेस्ट वेब सीरीज कुल्लक, क्रिएटेड बाय टीवीएफ. वी हैव जमील खान सर, हु प्लेज संतोष मिश्रा, यानी पापा. वेलकम सर. थैंक यू. एंड वैभव राज गुप्ता, हु प्लेज अन्नू भैया, अन्नू मिश्रा. वेलकम ब्रो. थैंक यू भाई. तो गुल्लक की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार. तो इतना अच्छा शो आप लोगों ने बनाया, इतना स्वीट है, प्यारा है, रिलेटेबल है, केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी है. सो हाउ डिड गुल्लक हैपन टू यू गाइस? गुल्लक हैपन्ड फॉर मी मोर ऑफ एन एक्सीडेंट देन एनीथिंग एल्स. बट एक हसीन इत्तेफाक कह लीजिए. मैंने वेब पर कभी काम नहीं किया था, फिल्में ही करता हूँ मैं. तो जब ये आया तो मेरा थोड़ा सा स्केप्टिकल था मैं कि यार ये टीवी नुमा तो नहीं होगा, और मैंने वेब पे कुछ देखा नहीं था आज तक. आज भी गुल्लक के अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने. तो गुल्लक जब आया तो जब पढ़ा उसे, पहला एपिसोड पढ़ा मैं, तो और वो एक सरसरी निगाह में पड़ गया मैं. मैंने कहा नहीं यार ठीक. तो फिर अभिजीत था ना, अभिजीत. हाँ अभिजीत. नहीं सर, मिलना है आपसे. मैंने कहा क्या करोगे मिल के यार. सर एक बार मिलिए सर, हम नरेशन देते हैं आपको. तो मैंने कहा ठीक है. तो गए, निखिल आया, फिर जो राइटर है इसका, निखिल विजय, उसने नरेशन दिया. मैंने कहा यार ये तो अच्छा है. नरेशन के हिसाब से लिखता है. मैंने कहा ये तो अच्छा है, तो सर कर लीजिए आप. मैंने कहा हाँ. तो डेट्स वेट्स का कुछ पंगा हो रहा था, बट लकीली इट ऑल वर्कड आउट. अभिजीत ने मेरा एक प्ले देखा था, कथा कोलार, जिसमें एक संक्रमण नाम की कहानी थी, जिसमें नसीर भाई बाप बनते हैं, मैं बेटा बनता हूँ. वो जनरेशन गैप के ऊपर है. तो उसमें भी कुछ स्मॉल टाउन का ही मसला था, कुछ कहानी थी वैसी. तो ही वॉज वेरी श्योर कि यार जमील खान को लेना है. आई डेंट नो अभिजीत, वो प्ले वे देखा था उसने, एंड ही वॉज वेरी कन्विंस दैट ही वॉन्ट्स जमील खान. तो वो कई बार मना करने के बाद भी, फिर उसके बाद कुछ और दिक्कतें आईं, बट फाइनली लकीली लॉट वर्कड आउट. तो अभिजीत का परसिस्टेंस जो है वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है जी. आई एम ऑल द मोर हैप्पी. वी आर हैप्पी टू हैव यू. थैंक यू. थैंक यू. मैं तो घर में ही बन रहा था. लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं था. मेरे को ये पता था कि अमृत कुछ निखिल के साथ मिलके कुछ कर रहा है, बट मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अपना अपना लगा हुआ था. बट मैंने एक दिन गुल्लक के लिए अमृत को बोला कि यार ले ले यार ऑडिशन. तो अमृत ने मेरे को बोला कि यार अब तुम गांव के नहीं लगते यार, अभी तुम नहीं लग पाओ. सामने से बोला. और आई थिंक अमृत के माइंड में पहले से कोई था, जिसके लिए अन्नू भैया था उसका, उसने कोई प्ले देखा था, तो उसमें कोई बंदा था, तो वो श्योर था कि उसको ही लेना है. बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसका. देन फिर मैंने बोला यार अच्छा ले लो, इतनी बातें सुनाई पड़ रही हैं, गुल्लक बन रहा है यार, ये मेरे पास उस समय काम नहीं था. तो मैंने बोला ले ले यार ऑडिशन, ऑडिशन देने में मज़ा आता है. बोला ठीक है ये ऐसा है देख लो. तो फिर मैंने जब पढ़ा उसको, तो जब मैं वो डायलॉग्स पढ़े, क्योंकि दो सीन आए हुए थे, मेरे को बहुत बढ़िया लगा. मेरे को फ्लो बहुत अच्छा लगा, वो कैरेक्टर बहुत, वो लाइन्स बहुत रियल थी, और मैं वहीं का हूँ. तो फिर मैंने बोला यार अब अमृत को दिखाता हूँ मैं. साला मेरे पे ही वही वो कर रहा था कि मैं ही नहीं लगता हूँ, मैं गांव का ही हूँ, तो और ऑफेंड हो गया मैं. फिर मैंने चड्डी वड्डी पहनी अन्नू भैया के उसमें, वहाँ दे दिया जाके ऑडिशन. तो थोड़ा निखिल अमृत सब पूरी टीम थी ऑडिशन के बाद, वो लोग भी. हाँ सबने प्रॉपरली ऑडिशन लिया. तो एक एक सीन दिया पहले मुझे वो वाला कि आपको नहीं पता जब मैं स्कूटी मांगने आया पापा स्कूटी चाहिए, तो वो मैंने कर दिया. तो उनको अच्छा लगा, लेकिन अभी शक में थे दोनों. तो दोनों खुशपुछ की. फिर आए पाँच मिनट, एक और सीन करते हैं. तो हम दो, मेरा और अमन की फाइट वाला लगा दिया तुरंत. तो बार बार वो देख रहे थे यार इसने अच्छा कैसे कर दिया, ये अच्छा कैसे लग रहा है. तो तीन चार ऑडिशन लिए उन्होंने, फिर जाके वहाँ पे अमन भी था. मतलब नहीं नहीं अमन, मुझे नहीं पता था अमन कौन है, अमन कौन कर रहा है. सब वेब में काम करके कितना अलग लगा आपको यार? अलग
शूटिंग के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जो कि हालांकि मैं थोड़ा सा मुझे डर था कि यार ये वो टीवी वैसा टीवी जैसा तो ना हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेब बिकॉज इट्स अ वेरी डिफाइंड कंटेंट कि आपका इतना ही है जी, बाउंड स्क्रिप्ट है आपकी, 5 एपिसोड 10 एपिसोड जो भी है, तो एक फिल्म की तरह ही शूट होता है, शूटिंग का तरीका भी तकरीबन वैसा ही, हाँ इतना लैविश नहीं होता जितना एक कमर्शियल फिल्म होती है, लेकिन आप एक छोटे बजट की फिल्म जैसे शूट होती है वैसे ये भी शूट हुआ और स्टार्ट टू फिनिश हुआ, तो एक फ्लो था उसमें, तो उस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ मुझे कि मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ या वेब शो शूट कर रहा हूँ जी, तो द एक्सपीरियंस ओवरऑल वॉज फैंटास्टिक। एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, आप दोनों के हेयर स्टाइल शो में भी और रियल में भी सेम है। हाँ नहीं, मेरा पापा का माथा भी सेम है, इनका भी माथा बड़ा है, मेरा भी बड़ा है, तो कास्टिंग सही हुई है। कास्टिंग बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट कास्टिंग। कितने दिनों का वर्कशॉप हुआ है अगर? यार ये कुछ आई थिंक 10 दिन का वर्कशॉप हुआ है, शशि भूषण ने लिया है वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप ने बहुत हेल्प किया है। बिल्कुल, हम चारों को जो दिख रहा है गुल्लक जैसी, I think it is because of this workshop. I wish I had given more time to it. मैं थोड़ा शूटिंग वगैरह चल रही थी मेरी, तो मुझे मतलब वो मिस करता था मैं, कि जिस दिन मैं नहीं होता था तो मेरा ध्यान वहाँ भी रहता था कि यार मिस कर रहा हूँ। हाँ बड़ा प्यारा था, सुबह 8 या 9 बजे की होती थी, पहुँचते थे और कुछ 5-6 घंटे में बैठते थे, बहुत मज़ा आता था। वैभव, आपके साथ ये वियर्ड नहीं होता था कि कैमरे के पीछे आपका रियल भाई है डायरेक्ट कर रहा है अमृत राज गुप्ता, और कैमरे के सामने आपका रियल भाई हर्ष मायर या अमन बैठा हुआ है, तो कैसी थी ये केमिस्ट्री? हर्ष में आपने अमृत को देखा? यार हर्ष में अमृत को नहीं देखा लेकिन कुछ ऐसा हो गया था यार कि हर्ष जो है ना उसकी वजह से हम चारों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी, मतलब मैं उसका सारा श्रेय हर्ष को देता हूँ, तो उसने एक ऐसा माहौल बना दिया था हम सबके बीच में कि कहीं कोई शर्म लिहाज रही नहीं गई थी। और दूसरा ये भी था कि यार वो भी हम जैसे मैं एज एन एक्टर देखता हूँ कि यार कितना लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, तो वो हर्ष में था और वो इतना ज़्यादा था कि वो जब जा रहा था एयरपोर्ट में, जब हमारा शूट ख़त्म हो गया था, वो दिल्ली जा रहा था, मैं बॉम्बे आ रहा था, आई लिटरली क्राइड। वो हम दोनों का एक बहुत प्यारा मोमेंट है जहाँ पे मैं रुका हुआ, वो जा रहा है और मैं पैर में रो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और अमृत के साथ तो बहुत प्रोफेशनली था यार मेरा सेट पे। और इसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में कुछ मतलब अंतर आया, समथिंग बहुत डिस्कवर्ड, समथिंग न्यू? बहुत। इससे पहले ऐसा था कि मैं थोड़ा इंडी स्पेस में था अपने, मैं थिएटर वाला हूँ, मेरा अपना जोन रहता था, तो मैं लोग मतलब अमृत को थोड़ा वो कह रहे यार ये तो एक ही कर रहे हैं, करते रहे, हाँ तुम ठीक है बाद में मिलेंगे, कॉमेडी। हाँ कॉमेडी, और मैं मतलब बड़े भाई के तो दौर पे भी मैं उसको बहुत डांटता रहता था कि यार तुम ना फिल्म्स देखो पहले, तुम सीखो पहले, फिर तुम बात करना आके, और उसको लगता था कि करता क्या है घर पे रहता है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, इधर उधर ये सब करता रहता है। लेकिन जब हमने गुल्लक की ना, तो उसने मेरे में देखा कि अच्छा ये भी ये मेहनती है, और मैंने भी देखा कि वो कितना सीरियस है गुल्लक को लेके, अपने काम को लेके। देन गुल्लक ख़त्म होने के बाद जब हम घर पे आए, देन तो सब बदल गया था यार, मतलब नाव तो हम लोग ऐसा वो हो गया कि उसके बिना मेरा नहीं होता है। पहले था कि मैं अपनी दुनिया में रहता था, बट अब सुबह उसकी शक्ल नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ सीन है, तो वो बहुत प्यारी चीज़ हो गई। टेकिंग इट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड हिम, अमृत छोटा भाई है लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते जो एक फ़ख्र महसूस होता है ना कि यार मेरा भाई है, जब आपको वो खुशी, जब आपको वो सक्सेस मिलती है, आपके भाई ने डायरेक्ट किया है वो चीज़ जिसमें आपने भी काम किया, आपका काम भी सराहा गया और आपके भाई का भी काम सराहा गया, तो वो जो फ़ख्र महसूस होता है ना मुझे आ रहा है तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है मेरे ख्याल में कई गुना बढ़ गई होगी। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमारी ऑडियंस को शायद नहीं पता कि आप और अमिताभ बच्चन एक ही स्कूल से हैं। ओए होए। तो सर जब आप स्कूल में थे आपने तभी से एक्टिंग करना शुरू किया, इतने अवार्ड्स स्कूल में जीते, तो बस अमित जी एन इंस्पिरेशन फॉर यू देन? बिग ह्यूज, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिज फिल्म्स एंड ही इज लाइक अ गॉड। और उस दौर में तो बच्चन साहब वॉज मेगा स्टार, और बींग फ्रॉम द सेम स्कूल, तो कहीं एक इंटरनली ये था कि यार अपना बंदा है, देखो हम भी प्लेस करते थे तो, लेकिन ये शुरू में कभी मैंने इसको करियर के तौर पे नहीं देखा था, प्लेस करते थे
और इंस्पिरेशन तो थे ही वो, और फिल्में देखते थे बच्चन साहब की फिल्में, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप्स। बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद ये था कि यार जब संडेज को देखते थे, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन, एक 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 रिश्ता बनता ही है आपका इनवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली आपका, अगर आप चाहें ना चाहें। वहाँ से अमित जी हैं, कबीर बेदी हैं, दिलीप ताहिल हैं, तो तेरा बिग स्टार सुन दे, तो कहीं शायद एक दिमाग में था कि यार ये यहाँ से जो है एक्टिंग जीन पूल जो निकल रही है अच्छी, तो एक्टिंग की जा सकती है, लेकिन थिएटर, सिर्फ थिएटर के पर्सपेक्टिव से था उस वक्त। वैसे लोग कहते हैं कि बॉम्बे आके फिल्मों में टीवी में काम मिलना मुश्किल है, लेकिन थिएटर में भी काम मिलना मुश्किल ही होता है पहले तो। तो आपका कैसा रहा था स्ट्रगल, आते ही काम मिला या यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम बैक स्टेज, हाउ वाज इट फॉर यू? मुश्किल तो हर जगह है जी, बट मैं एक चीज़ मुझे पता थी कि मैं कर लूँगा, तो और मुझे कोई शर्म झिझक नहीं थी। तो जब मैं थिएटर ज्वाइन किया ना, तो बहुत छोटा ग्रुप था यार जिसका नाम कोई जानता भी नहीं होगा तब भी और अब भी, कांदीवली में मैं अंधेरी से जाता था, और वहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा था करने में। तो वो उन्होंने नहीं बताया मुझे क्या करना है, मुझे खुद, मुझे ऐसा लगता था मेरा घर है बन गया था, जो थिएटर में हो जाता है ना। तो फिर मैं चाय लाना, झाड़ू पोछा लगाना, और एक छोटा सा रोल कर रहा था, उसकी एक साल तक रिहर्सल करी उन्होंने, क्योंकि नए लोग थे, कभी कोई चला जाता था, कभी लड़ाई हो रही, पर मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैंने बैक स्टेज से शुरू किया, क्योंकि कुछ नहीं आता था और मुझे सीखना था, तो मैंने ये सारी चीज़ें लाई नहीं कि अरे मुझे रोल क्यों नहीं मिल रहा है। मैं वेट करता गया, मैं बैठ के सुनता गया, मैं अपने डायरेक्टर के आसपास ही रहता था, 8 घंटे में थिएटर में देता था रोज़, सब कुछ किया 3 साल तक, बिना वो ग्रेजुएशन भी चल रही थी साथ में, बट उस पर ध्यान ही नहीं था मेरा, मेरा सारा ध्यान इधर पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने ये सब, क्योंकि आप डायरेक्टर के साथ रहते हो ना, तो वो बताता रहता है। और जो मेरे डायरेक्टर थे वरुण सिन्हा, उन्होंने मुझे बेस से तैयार किया, मतलब आई एम वेरी लकी कि वो मिले मुझे। तो उन्होंने स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहाँ से लेके एक एक चीज़ बतानी, फिर धीरे धीरे नए नए ग्रुप्स में गया, नई नई जगह पे काम किया, बट मुश्किल तो था यार, लेकिन मुझे तो मज़ा आया, मतलब अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरी बात ये भी कि आई थिंक पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस पूरे प्रोफेशन में, पेशेंस नहीं है तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, और अगर पेशेंस है, डेडिकेशन है, मेहनत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको अपना वट एवर यू डिजर्व यू विल गेट। आई थिंक ये भी है ना सर कि कई सारे एक्टर्स से मैं मिलता हूँ, दोस्त लोग हैं, तो बट मुझे मुझे एक ही चीज़ मिसिंग लगती है कि जैसे पहले जो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं आया तो सब एक प्रोसेस चल रहा है ना यहाँ पे, आइडिया है नहीं कैसे होता है, तो सब उसी प्रोसेस की बात करते हैं, अरे तुम आओ ऑडिशन देना शुरू कर दो या थिएटर कर लो। तो अभी बीच में लगने लगा था लोगों की थिएटर कर लिया तो अच्छे एक्टर हो गए, या थिएटर से लोगों का थोड़ा इंप्रेशन चेंज हो जाता है सामने वाले का, बट आई थिंक एज एन एक्टर आपको हर चीज़ करनी चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल, और थिएटर के लिए तो खासकर पेशेंस, इवन इस लाइन के जैसे सर बोल रहे हैं, पेशेंस तो मतलब नहीं है अगर, तो आई थिंक आप 12th भी नहीं पास कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते अगर पेशेंस नहीं, बट एक्टिंग के लिए तो उसके 4 गुना पेशेंस होना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम खाली होता है स्टार्टिंग में, और वही टाइम होता है जो आपको बनाता है, वही टाइम है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपने पे मेहनत कर सकते हो, बट वही कमी है, लोग एक्टर्स ज़्यादातर वो चीज़ नहीं देख पाते, उन्हें लगता है ये खाली टाइम है, और वो बेचैनी बढ़ जाती है। तो आई थिंक वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो अपने पे, काम करो अपने पे, एंड जब मौका है तो चौका मार। सर आपके साथ ऐसा कभी हुआ था फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स कि गिव अप कर दूँ अब, हाउ डिड यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी दैट टाइम? यार गिव अप का तो ख्याल मैंने कभी नहीं लाया अपने अंदर, जैसे ये कह रहा था ना जो डर गया समझो मर गया तो डर तो नहीं सकते। और मेरे डैड ने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी, क्योंकि ये फैसला मेरा अपना था, इंडिपेंडेंट सोलो फैसला था मेरा। तो जब मैं यहाँ बॉम्बे आने का मैंने डिसीजन बताया घर पे, तो एक खलबली सी मची, जैसे कि हर परिवार में मनती, कि मतलब ये एक्टिंग मतलब क्या है, ये क्या चीज़ होती है। और अच्छे खासे फैमिली से और अच्छा खासा स्टूडेंट था मैं, मैंने IIT जी का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि नहीं हुआ लकीली तो तो यहाँ आया। लेकिन जब मैंने फैसला किया तो डैड ने मुझे ये समझा, माँ तो मेरी फैल गई थी कि नहीं सवाल ही नहीं, मैंने MA यहाँ आया तो मैंने MA किया यहाँ पर, तो ये था कि MA करूँगा, 2 साल का जुगाड़ हो जाएगा रहने का, हॉस्टल मिल जाएगा 2 साल, फिर उसके बाद करेंगे सेटिंग कुछ। तो जब ये फैसला किया MA के बाद कि घर से भाई अब
हेल्प नहीं ली जाएगी, पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी थी ख़त्म, अब मैं आई फेंड फॉर माई सेल्फ। तो माँ बहुत फैल गई थी, तो नहीं सवाल नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, नौकरी नहीं है, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, पैसे वगैरह ये सब। तो मेरे डैड ने मुझसे उस वक्त समझाया और उन्होंने कहा कि देखो फैसला तुम्हारा है, आई एम विथ यू ऑन इट, लेकिन बेटा ये ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसला बहुत सोच समझ के करना, इसका अच्छा बुरा सही गलत तुम ही जिम्मेदार हो। तो अगर अच्छा हो गया तो वेरी गुड, नहीं अच्छा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार तुम ही होगे। तो बहुत सोच लो उसको कि यही करना चाहते हो तो जाओ, एंड बी वेरी श्योर, अगर जा रहे हो तो फिर वापस मत देखना। हाँ वापस मत देखना, फिर पूरी पूरी लगन से पूरी मेहनत से करना। और एक और कमाल की बात उन्होंने कही थी जो कि शायद सारे पेरेंट्स नहीं कर पाते, और मैं विच इज़ वाई माई डैड बिकम्स माई हीरो। उन्होंने कहा कि देखो माँ बाप जो कमाते हैं ना अपनी औलाद के लिए कमाते हैं, तो ये कहा है कि अपनी देखभाल या अपना खर्चा खुद उठाओगे अच्छी बात है, लेकिन ईगो मतलब ना कि कह दिया है कि अब घर से पैसे नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, मरते मर जाएं। तो अगर पैसे नहीं हैं, दिक्कत है, परेशानी है, तो ले लेना पैसे, तुम लोगों के लिए ही। तो वो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट था कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ अगर पैसों की कमी है तो मंगा सकते हैं घर से, वो ऊपर वाले का करम है कि कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा था। और छूट दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि तुम्हारा फैसला है, गो अहेड, और कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, घर पे बिजनेस है, आ जाना। गुल्लक के बारे में थोड़ा सा और बात करते, ऐसा कोई सीन था जिसमें बहुत हंसी आ रही थी या बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, हो ही नहीं पा रहा है? ये दोनों जो है ना, बहुत हंसी तो किसी एपिसोड में नहीं, हर जगह आती थी। अरे अभी दोनों भाइयों की बात कर रहे थे ना, एक जगह पे उसमें है भी ना, ये दोनों साले हंसते रहते थे, दोनों बेटे जो मेरे। ऐसा मीटिंग देखा सर के साथ, सर क्या मैं और अमन, हम लोग सर को देख के ही मतलब बहुत टफ हो गया था, मतलब मैं लिटरली थोड़ा सेल्फिश हो जाता था, जब अमन ने किसी और का सीन लगाया तो मैं खुल के हंसता था, अपने में थोड़ा सीरियस लेकिन सर बाप रे वो एक्सप्रेशंस, वो ऐसा इतना ज़्यादा टफ, और मेरे साथ है, मैं शुरू से मेरे को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जो फाइट वाला सीन था, वो जो आप मारते हो उसको बेड पे, वो कितना रियल कितना फेक है? फेक नहीं है, जो लात मारता है एक मतलब आई थिंक पूरे गुल्लक में जहाँ जहाँ मार या कुछ पड़ा है ना, कहीं फेक नहीं, वो प्रॉपर लड़ाई हुई थी, और वो फील में हुई थी, क्योंकि अमन भी वहीं से आया है, मैं भी उधर से ही आया हूँ, तो मैंने अमृत को भी वैसे ही मारा है, तो लिटरली वैसा मैं कह रहा था, हर्ष में आप अमृत को देख रहे हो क्या? हाँ निकाला तो ऐसा बोल सकते हो, और बहुत वो यार वो वैसी लड़ाइयाँ होती थी यार, कि अमृत मुझे अभी भी याद है, वो अमृत को गुस्सा बहुत आता है, तो उसको उंगली करोगे कुछ अगर ज़्यादा हो गया ना, तो फिर वो नहीं देखता कि पापा खड़े हुए हैं या मम्मी खड़े हैं, वो देखता है, तो मैंने बहुत खाया है तो मैंने फिर वैसे ही हमने वो सीन, और वो हो गया वैसा। इनफैक्ट जब हुआ भी था तो मैं था नहीं ऑब्वियसली, हाँ। का सीन चला, जब मैं आया सर क्या सीन हुआ है, मजा आ गया, मैंने कहा यार दिखा, नहीं सर बाद में देखिए। इवन एक सीन है ना जब छत पे इन्वर्टर वाला होता है, तो उसको मैं वो उससे बोलता हूँ जाओ पानी ले आओ, तो बोलता है हम नहीं जाएंगे, तो मैं उसकी ताड़ से देता हूँ कि नहीं, वो बोलता है क्या बोलता है नहीं काहे नहीं, तो उसके हम कम से कम 8 टेक हुए थे, तो सर बार बार अरे अरे क्योंकि मैं मार रहा था उसको, विच इज़ रॉन्ग बट इट्स ओके, अमन है वो। हाउ डिफिकल्ट और ईजी वॉज दैट सीन जहाँ पे मम्मी एकदम सब फेंक देती है, रोटी वोटी सब कुछ, गुस्सा हो जाती है, पापा मम्मी में झगड़ा हो जाता है? यार वो एक ऐसा एपिसोड था ना जहाँ पे हम दोनों भाई चुपचाप बैठे हुए थे, और उस समय हमने परफॉर्मेंस देखी है कि जब दो सीनियर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, और वो आप मतलब वो फील हो रहा था वहाँ पे जिस हिसाब से उसमें करने या टफ की बात की, यार इतने मंजे हुए कलाकार हैं, तो हम दोनों सिर्फ बैठे हुए थे, और उसमें भी हम हंसी आ रही थी क्योंकि वो एक था हमारा चलता रहता था, लेकिन मैम और सर ने फाड़ा है भाई वाले, वो पूरा चौथा एपिसोड या आई थिंक थर्ड एपिसोड है वो, वो आप देखो ना परफॉर्मेंस शुरू से लेके आखिर तक। वो सीन मेरे लिए मुश्किल नहीं था इसलिए कि जब आपकी शादी होगी ना, अगर हो गई है तो आपको पता होगा ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, वो घर
हम पांचों एक्टर्स, मैम, सर, अरे सब, इवन डीओपी, मतलब याद है वो एक एक ऐसे मोमेंट्स है ना जो सबको पता है क्या होने वाला है वहां पे. एंड जब हंसते थे तो हम अकेले नहीं हंसते थे, डीओपी भी हंसता था कैमरे के साथ. मतलब वो ये तो टेक चल रहा है और वो लोग दबाए बैठे हैं. अरे बेस्ट थिंग. और इवन यार जो श्री है इसका डीओपी, बहुत उसने जो हमारे गुल्लक में वन शॉट शॉट्स हैं, लॉन्ग टेक्स हैं, बहुत मेहनत की है उसने. इवन शिव बहुत हैंडहेल्ड कैमरा के साथ, बहुत टफ है. बहुत फनी सीन्स भी हुए हैं यार अपने सेट पे. कैसे टीवीएफ लोगों के साथ काम करो तो एक अलग ही एनर्जी रहती है. आई कैन रियली रिलेट टू दैट कि सब ऐसे बैठे हो, खत्म होती है. तो एक बहुत फनी सीन है. तो अमृत ना हमेशा उसका मॉनिटर पे बैठता था, अंदर एक कुलिया सी थी जहाँ पे मंदिर था. तो हम लोग जब हंस देते थे सीन में तो सीन खराब हो जाता था. तो अमृत पहले कुछ नहीं बोलता था. तो बीच में एक दिन बोला, यार क्या है तुम लोग कैसे कर रहे हो, हम दोनों को, मैं और अमन को, हर्ष को. तो बोला देखते हैं कैसे हंसी आती, मैं आता हूँ ना तुम्हें, ऐसा हो रहा है, हाँ आ जाओ ना यहीं पर आ जाओ. तो वो आ गया सेट पे, मतलब जहाँ पे सीन हो रहा है. सीन शुरू हुआ, एक्शन हुआ. पापा ने कुछ तो बोला, उसके बाद एक सेकंड के बाद देखा अमृत गायब. अंदर बैठ के, नहीं कट 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 सर, नहीं हो. अब मुझे समझ में आ रहा है, नहीं खड़ा हो सकता मैं वहां पे. तो इतना ज्यादा, और सब हंसते थे यार. मतलब एक्टिंग करना टफ हो गया था यार सर के चक्कर में. दोनों से पूछना चाहूंगा कि वो क्या प्रोसेस होता है जिससे, तो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए एक्टर्स जेल इन कर जाते हैं. ये सीनियर एक्टर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों अपने हेड से निकल के एक दूसरे को खुद को सबमिट करें एज एक्टर्स? व्हाट इज द टेक्निकल प्रोसीडियर थोड़ा सा अगर? यार एज एन एक्टर मुझे ये लगता है, यू हैव टू सरेंडर फर्स्ट टू द स्क्रिप्ट, देन टू द डायरेक्टर, एंड देन टू योर को एक्टर्स. और ये चीज़ इस पूरे इक्वेशन में, पूरे रिलेशनशिप में बहुत अच्छी निखर के आती है. तो जिम्मेदारी तो जाहिर है, वो दोनों तरफ से ताली एक हाथ से बजती नहीं कभी भी. तो अगर मैंने सरेंडर किया एज एन एक्टर, एक सीनियर एक्टर के तौर पे, इफ आई एम रीचिंग आउट टू अ जूनियर एक्टर, जूनियर एक्टर अगर वहीं अपने इनहिबिशन में बैठा हुआ है, नहीं तोड़ के बाहर निकल रहा है, तो भी दिक्कत होगी. तो जितने शेल्स थे वो तोड़ दिए थे मैंने भी, इन्होंने भी, सबने. तो उससे फिर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हो जाती है. आप लोग दोनों से पूछना चाहूँगा कि व्हाट वाज दैट वन प्रोजेक्ट जिसके बाद थिंग्स चेंज फॉर यू? मेरे लिए मैटर नहीं करता कि जानने लगे मुझे. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट बॉम्बे था. जब मैं बॉम्बे आया उसने मुझे चेंज कर दिया. अगर मैं नहीं आता तो, मतलब ये सब तो यार वो सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं बॉम्बे नहीं आता ना तो मैं आज वैभव नहीं होता जैसा जो मैं अपने आप को जितना जानता हूँ. जब मैं आया था तब तो ये था कि कुछ करना है, कुछ कर लेते हैं, छोटा भी चलेगा. अब इतना सब काम कर लिया है, अभी भी वो लालच तो रहता है हर टाइम. आप एक अप होने की कोशिश करते हो, अभी ये कर लिया अब क्या. बट मैं उल्टा जाता हूँ, मैं एक काम किया, रिलैक्स, जाने दो अंदर, रिलैक्स करो. और मुझे मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि मेरा काम करने का तरीका भी बहुत अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगा. मेरा मन नहीं किया, मैं नहीं कर रहा. तो यार मेरे लिए तो बॉम्बे मेरा पहला प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा है मेरी लाइफ के लिए, और वो हमेशा रहेगा. यूनिवर्सिटी है मेरे लिए यार, मतलब अभी चल रहा है, चलता ही रहेगा ये. वेल सर, आपका कुछ टेक है इस पर? पॉपुलैरिटी के तौर पर तो जो खुशी मुझे पर्सनल तौर पर मिली थिएटर से जी, एज एन एक्टर, बिकॉज दैट बीइंग एन एक्टर्स मीडियम, जो तशफ़ी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने का, जो थिएटर में मिलता है एक्टर को, वो फिल्मों में उतने हद तक नहीं मिलता, कम से कम मुझे तो नहीं मिलता. पॉपुलैरिटी हाँ बहुत ज़्यादा मिलती है फिल्मों से, फिल्मों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है आपको. लेकिन जो हाई पॉइंट्स हैं वो शायद थिएटर से ही शुरू होते हैं. मंटो इसमें हाजिर हैं, कथा कोलाज, ये सब. फिर वहाँ से पहला जो मुझे एक रिकग्निशन दिया वो था वो एड जी. फिर एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि भाई जमील खान कौन, अच्छा वो या. तो वहाँ से फिर फिल्में शुरू हुई.
लेकिन हर चीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं आके थिएटर से ही रहा है। तो लॉइंस पंजाब नाम की एक फिल्म थी जो कि बहुत मकबूल हुई थी। मेजर हाई पॉइंट्स तो यही गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड बेबी मोर और लेस कुछ एक एक दो साल के गैप के बीच में ही रहा है। गुल्लक के बाद अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? वेब पे और एक्टिव हो रहे हैं अभी सर आप? यार फिलहाल तो नहीं, आई हैवंट साइंड ऑन एनीथिंग एज येट। पहले का है एक बाहुबली है वो जो कि पाइपलाइन में है, बिफोर द बिगिनिंग वो है। और वेब पे अभी कुछ साइन नहीं किया मैंने। आते तो रहते हैं बहुत सारे लेकिन डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब वो भी जैसे कि ज़िंदगी में मेरे साथ हमेशा हुआ है कि आई एम होपिंग कि मेरी किस्मत उसमें भी बुलंद रहे कि जो करूँ वो अच्छा ही रहे, बिकॉज द बिगिनिंग इज़ गुड, द स्टार्ट टू वेब इज़ गुड, एंड आगे भी जो प्रोजेक्ट मेरी झोली में गिरे या जिसका मैं फैसला करूँ कि हाँ ये करना है तो वो अच्छा हो। कोशिश यही रहती है कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, लोग अच्छे हों तो चीज़ अच्छी बनने की उम्मीद रहती है, लेकिन यू कैन नेवर बी श्योर। तो देखते हैं क्या होता है। वैभव, आफ्टर गुल्लक वैसे इससे पहले भी बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब मैंने और वेब सीरीज भी की हुई है, फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स की फिल्म भी आई, बट उससे मुझे कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस देखी बट फिल्म लोगों को उतना वो नहीं थी, बट गुल्लक ने वो सब चीज़ें ब्रेक कर दी। तो अभी चीज़ें आ रही हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसा सर ने बताया ना, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मीटिंग हो गई हैं, बातें चल रही हैं कि अरे 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 अब मैं रुका हूँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अरे कहीं से कॉल आएगा तो मैं देखूँगा, तो वही वेट चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। जब एक एक्टर के पास पैसे कमाने वाला काम नहीं होता तब किस तरीके का काम करना चाहिए? यार कोई भी काम हो, मुझे ऐसा लगता है किसी काम को करने में शर्म नहीं होती, शर्म नहीं होनी चाहिए। और जैसे बाहर अब्रॉड देखें आप तो यू वेट एट टेबल्स, यू डू और जॉब्स, और उसमें हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी है कि आप यू लुक डाउन अपॉन ऑल दीज जॉब्स, जो कि अब चेंज हो रहा है। अब मेट्रोज में कम से कम तो चेंज हो रहा है, जो यूथ है वो दे आर डूइंग थिंग्स लाइक दिस। लेकिन काम कुछ भी हो, अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई काम अगर ढूंढ लें आप तो बेनिफिशियल रहता है हमेशा। जैसे कि अगर आप एक्टर बनने के लिए आए हैं और आपको असिस्ट करने को मिल रहा है जी अपना किचन चलाने के लिए, तो डू दैट, दैट्स ऑल्सो अ लर्निंग। या आप राइट लिखना आता है आपको तो लिखिए आप एंड मूव अराउंड विद योर कॉन्टेंट। तो रिलेटेड फील्ड से अगर कुछ है तो वो आपका ग्रोथ भी होता है उसमें। मैंने स्टेशन पे काम किया है एनजीओ में 3 महीने, ग्रीन पीस करके एनजीओ था, तो पैसे नहीं थे, घर से भी पैसे बहुत कम आते थे, तो और थिएटर कर रहा था तो मज़ा आ रहा था, कॉलेज तो छोड़ ही दिया। लेकिन क्या है ना, सर ने जो बात बोली ना वो बेस्ट है कि आपको और एक्टर्स के लिए तो बहुत ही सही है कि यार आप ऑड जॉब्स करो ना, आप नए लोगों से मिलो, एक्टिंग में यही है ना, मिलो जुलो, ट्रैवल करो, ये सब करो, आपको आता है, आपको नहीं पता कैसे आता है, ये मुझे भी नहीं पता कैसे, बट मुझे लगता है होता है, कुछ कुछ होता है। तो मैं तो जब स्टेशन पे काम करता था 3 महीने मैंने ग्रीन पीस में किया, तो मेरे लिए था ऐसा कि मैं दादर स्टेशन पे खड़े हो गया, आप किसी को रोकना और उसको अपने ग्रीन पीस के बारे में बताना, बहुत मतलब एक थिएटर ने मुझे सिखा दिया 3 महीने, इस जॉब ने जो सिखाया है ना मुझे वो अलग ही कॉन्फिडेंस दे दिया था उसने। ट्रू ट्रू ट्रू। और उनसे बैंक डिटेल्स लेनी होती थी यार, हमें पैसे लेने होते थे बैंक में, कौन देता है। और मैं बहुत और जॉब्स किए, एक्टिंग लाइफ का पार्ट है, एक्टिंग लाइफ नहीं है, अब उसका पार्ट है, तो उसको इतना भी ज़्यादा वो मत, सब कुछ करो यार, नहीं है पैसे तो ऑब्वियसली करो काम, पैसा कमाओ फिर अपना काम करो, वो यार डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करना चाहते हो और कितना आगे तक जाना चाहते हो। तो मेरे को तो बहुत आगे जाना है। हाँ यार, और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आपको कितना चाहिए, आप अपनी लालच को या अपनी ज़रूरियात को इतना ज़्यादा मत बढ़ा लो कि आपके लिए दिक्कत पैदा करे ना। बेसिक में रहो, चाहे कम है तो भी, ज़्यादा है तो भी, ज़िंदगी ज़्यादा खुशनुमा रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ सब ओके, हाँ मतलब ये सब कुछ कर लो बट मौज यही है, थोड़ा ऐसा लटक के रहना, मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे लटक के। मैं अगर 1000 रुपये पड़े, अगर 10,000 रुपये पड़े हैं अगर, तो मेरे को डर लगने लगता है। मैं क्या करता हूँ, कट टू 10,000 रुपये की शॉपिंग,
मतलब खत्म, मतलब क्या अभी, क्या होने के लिए, हाँ अभी क्या है, तो अब तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो ना ऐसे ही रख, मतलब ये मेरा मानना है, ज्यादा डर खत्म हो जाता है इससे। आगे किस तरीके के रोल्स करना चाहते हैं सर? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, अगर मैं ये कहूँ कि लुकिंग फॉर दैट वन ऑथर बैक रोल, ना कि जो आप रोल पढ़ें एंड इट इज मेड फॉर यू, तो देन इट टेक्स यू टू डिफरेंट लेवल। तो वैसा वो समबडी हैज टू हैव द कॉन्फिडेंस एंड एंड विजन, हाँ कि भाई अच्छा। और वो भी मुझे अच्छा लगता है कि जब आदमी, कोई डायरेक्टर ये सोचे कि यार जमील खान ऐसे रोल करते आए हैं, इससे यार कुछ ये करवाते हैं अलग, आउट ऑफ द लीग, तो वो एक रिस्क लेने वाला बंदा चाहिए उसके लिए। जाहिर है यार, तो मैं अपने पैसे लगा के बनाऊं तो वो तो फिर वही हो गई ना। तो वैसे उस तरीके के रोल तो कुछ ऑफर हुए तो आई लव टू डू देम, वो चैलेंजेस भी जहाँ पर कि मेहनत करनी पड़े। केक वॉक नहीं होना चाहिए, केक वॉक करने के लिए तो बहुत सारे काम आते हैं, आप करते जाते हैं ना, मतलब आपकी झोली में तो बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं ना, उसमें से आप कुछ चीज़ें उठाते हैं, कुछ वर्क करती हैं, कुछ नहीं वर्क करती हैं, तो करना तो अभी बहुत कुछ बाकी। वैभव, आपके ऐसे कोई यार है? मतलब अभी तक ऐसा मैंने सोचा नहीं कि अरे ऐसा करना, बट हाँ मुझे मुझे जैसे सर ने बोला ना, चैलेंजिंग रोल या जहाँ पे मेहनत करनी हो, जहाँ पे आप, मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है यार एक्टिंग का, तो जब वो वही है थिएटर वाला सीन है, जैसे ही प्रोसेस आता है ना कि अच्छा पहले नॉर्मल एक स्क्रिप्ट है जिस, जो स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई है, आपका रोल भी अच्छा है उसमें, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना कि वी ऑल सिट, वी ऑल टॉक, वी मेक अ बॉन्डिंग, वी राइट द बैक स्टोरीज, हम बहुत कुछ करते हैं और वो दिखता नहीं है, बट वो इंटरनल काम होता है। तो मुझे मुझे ऐसा जाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं यार मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, ताकि मैं, क्योंकि मैं बहुत सीखना बाकी है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो, जैसे मैंने जो उड़ान देखी थी ना, तो मुझे विक्रम से प्यार हो गया था, विक्रमादित्य से, मैंने कहा यार अगर ये क्या करा रहा है यार, ये अनुराग है, ये सब लोगों के साथ काम करने का मन है, कि जैसे सर का गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है, वो यार वो कैसे निकल, मतलब इतना बड़ा फिल्म और उसमें हर एक कैरेक्टर, हर एक इवन गैंग्स का कोई भी कैरेक्टर मुझे दे दो यार, मैं कर लूँगा ऐसा है, तो मुझे ऐसा कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना है, फिर वो बन जाता है यार, वो है यार, अभी तो देखो लेट्स सी, हम अंत तक पहुँच चुके, क्या बात है, एंड थैंक यू सो मच आप लोग आए, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मुझे भी, आप लोगों ने बहुत अच्छा शो बनाया, सालों तक लोग इसे पसंद करेंगे, देखेंगे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट शो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, प्लेजर, थैंक यू भाई, एंड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ डीसी हैंगआउट सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री, प्रेस द बेल आइकन टू